मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ये हमारे पास एप्पल के लैपटॉप आए हुए हैं जिसका मॉडल है एप्पल A1932। ये 1932 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हम आपको बता देते हैं। ये ना इसकी बहुत टाइट की प्रेस हो रही है। जब की प्रेस कर रहे हैं तो ये बहुत टाइट होती है, टाइट प्रेस होती है, कभी प्रेस हो जाती है कभी नहीं हो पाती। ये क्या कारण है अब आपको इसमें दूसरा लैपटॉप दिखा देते हैं। ये बहुत ही स्मूथ की प्रेस होती है, बहुत ही स्मूथ। देखो आप देखोगे इसमें बहुत ही, ये जो हमारा स्पेस बार आता है बहुत ही स्लो आता है और इसमें एकदम ऊपर उभर के आता है, तो ये फील होता है जब हम टाइप करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है जब हमारे लैपटॉप पे कुछ गिर जाता है, इसमें कुछ लिक्विड वगैरह गिरा हुआ है जिसकी वजह से ये की सही से प्रॉपर काम नहीं कर रही है। इसमें क्या होता है आप देखोगे, वैक्यूम टाइप का एक इसमें मैग्नीशियम टाइप होता है, जो जैसा हमारा कुछ लिक्विड गिर गया है, जैसा हमें बताया गया है ये कस्टमर ने, इस पे दूध गिर गया था, दूध में मिट्टा होता है, तो वो चिपक टाइप बन जाती है जिस वजह से ये की प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो सूरज कंप्यूटर्स पर इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे एप्पल वगैरह के लैपटॉप आते हैं। यदि आपके पास कोई भी लैपटॉप हो एप्पल का और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, उसमें स्क्रीन हो, कीबोर्ड हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर दिखा सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे अच्छी चीज होती है कि हम लैपटॉप को केयर से यूज करें, कि बंदे करते हैं वहीं पे पानी की बोतल रखी हुई है, वहीं पे दूध का गिलास रखा हुआ तब यूज करते हैं। इस प्रकार आप इसको यूज ना करें, इसको आप यूज करें केयर से। भाई जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे कुछ ऐसा लिक्विड वगैरह ना रखें आप। यदि आपको हमारा वीडियो काम लायक लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और आप हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।